पटना में रेल पुलिस ने ऑपरेशन खुशी के साथ गुम हुए मोबाइल को खोज लिया है। और आपको बता दें कि रेल एसपी ने कुल 7 लोगों को कार्यालय पहुंचकर उनको मोबाइल भी सौंप दिया है। कई मोबाइल ऐसे हैं जो सालों पहले गुम हो गए थे, वैसे लोगों ने मोबाइल मिलने की आस भी खो दी थी। आज मोबाइल मिलने से लोग काफी खुश नजर आए। इस मौके पर बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। अभी आज ऑपरेशन खुशी के तहत 1 जून से जो चलाया गया रेल पुलिस पटना द्वारा खोए हुए मोबाइल को बरामद करके उनके मोबाइल स्वामी को लौटाने की का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कि 30 मोबाइल अभी तक आज तक बरामद हुए हैं। उसमें से 6 व्यक्तियों को आज दिया गया, जो विभिन्न थानों के में कंदरगढ़, पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, अन्य थानों पर वो मोबाइल गुम हो गए थे। मैक्सिमम स्मार्टफोन ही है, ज़्यादातर स्मार्टफोन है। सर, देखा जाए तो किसी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, इस एंगल में पुलिस किस प्रकार से जांच कर रही है ताकि गिरोह तक पहुंचा जाए? इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक जो कि चोरी के द्वारा मोबाइल को चोरी हो जाती है मोबाइल, उसमें प्राथमिकी दर्ज विधिवत करके और उसको फिर वैज्ञानिक अनुसंधान करके उस मोबाइल को बरामद किया जाता है और फिर माननीय न्यायालय से परमिशन प्राप्त करके उसको मोबाइल के धारक को लौटाया जाता है, वो प्राथमिकी के द्वारा। दूसरा, जो गुम हो गया, किसी भी धारक का किसी तरह से खो गया, गुम हो गया, तो उसमें देखा जाता है जांच के क्रम में कि वो मोबाइल किसके पास है। अगर गुड फेथ में किसी के द्वारा मोबाइल को उठाया जाता है तो उसको, और वो उठा लिया है तो उसे संपर्क करके उसे ले लिया जाता है मोबाइल और फिर उसको धारक को लौटाया जाता है। तो जिसके पास मोबाइल, जैसे प्राथमिकी में जो प्राथमिकी में मोबाइल बरामद हो रहे हैं, जिनके पास से बरामद होता है, उसका प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद उसको विधि के अनुरूप उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मेरा मोबाइल 12 अप्रैल को चोरी हुई थी, मतलब खोया था, पता नहीं चला कैसे क्या हो गया। जब मैंने बैग में देखा तो मेरा फोन नहीं था। कितने दिन बाद आज मोबाइल मिला है आपको? आज सो हो गया 7 जून। क्या कहेंगे रेल पुलिस को? अपने तरफ से तो बहुत शुक्रिया कहेंगे कि ऐसे ऐसे अगर मिल जाए सब लोग तो, अगर किसी का सामान खोया हुआ मिल जाता है तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन जहाँ तक प्रशासन की बात होती है कि प्रशासन सही रहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ। लेकिन अगर सबके साथ ऐसा हो तब ना हमारा बिहार विकास करेगी। कहाँ से कहाँ जा रही थी? एक्चुअल मैं कोइलवर में टीचर हूँ, मैं वहीं से आ रही थी। उम्मीद था कि मोबाइल मिलेगा, क्या कहूँ, अब इसमें मिल गया तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक उम्मीद मेरे अंदर जगी थी, क्योंकि मैंने जिससे बात किया था 139 पे मैंने कंप्लेन किया था इस चीज़ को, तो वो उम्मीद जगाए थे कि मैम ऐसा नहीं है कि सब लोग करप्ट ही हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, तो शायद मेरे साथ तो अच्छा हुआ, तो हम कैसे कह दें कि सारी पुलिस करप्ट है। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 5 स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ 5 स्कोप ऐप।